नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। साहब के आराम में खलल पड़ने पर साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं किशोरगंज चौक ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पदाधिकारी की। कल मुख्य सचिव का काफिला आने की सूचना पर महोदय उठे और एक बाइक सवार पर अपना गुस्सा उतार दिया। जब बात बढ़ी तो साहब ने कहा, लड़का बदतमीजी कर रहा था, मतलब साफ है साहब को तंग न करें, साहब शांत रहेंगे। हालांकि किशोरगंज चौक से हमने एक खबर को प्रसारित किया था, जो आपने देखा भी होगा कि किस तरह से आए दिन उस चौक पे रॉन्ग साइड से लोग आना जाना करते हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं। भले एम्बुलेंस फंसा रहे, लेकिन जैसे ही साहब के कानों में वीआईपी गाड़ियों की सायरन की आवाज जैसे ही पहुंचती है, साहब सड़क पे मौजूद होते हैं। और जब एम्बुलेंस फंसा हुआ था, तब साहब कहां थे, उन तस्वीरों को भी हमने प्रूफ के साथ दिखाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वीआईपी सायरन के समय ही साहब क्यों सामने आते हैं? अक्सर इस चौक से शिकायतें मिलती रहती है, तो आए दिन ये नोक झोंक अक्सर देखने को मिलते रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक के तरफ से ही गलतियां होती हैं, कई अधिकारी और जवान भी ऐसे होते हैं जिनका आचरण सही नहीं होता है। अंत में किशोरगंज में तैनात कोतवाली थाना की माइक गाड़ी उस लड़के को अपने साथ थाने ले गई। बहरहाल आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ उस वक्त किशोरगंज चौक में। सुनो ना, हम रखे हाथ जलाए ना, सही चले हाथ तक तो नहीं चला रहे थे, सुनो ना हाथ क्यों चलाए, रुको ना यार, हाथ नहीं चला, जो रिकॉर्ड है मेरे पास, हाथ जो चले वो रिकॉर्ड है, साहब दिखाएगा आज खत्म करें ना, क्यों बना रहे यही पर ड्राइवर तो भाई रुकिए तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।